वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र रेवा यूनिवर्सिटी से है उसके लिए लेके आए हम 2022 का जो पेपर है, आप देख लीजिए ध्यान से 2022 का पेपर है और ये है बीए सेकंड ईयर वालों का। आप देख सकते हैं जो भी हाल ही में पेपर हुआ है, इसका जो सेकंड पेपर भी होगा वो भी हम अपलोड करेंगे बीए सेकंड ईयर वालों का। और ये हो जाएगा हिंदी लिटरेचर का, जिसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की बात करेंगे, हिंदी साहित्य का पेपर है और ये फर्स्ट पेपर है, आप देख सकते हैं। और पेपर का नाम भी यहां दे रखा है, अर्वाचीन हिंदी काव्य, इस पेपर का नाम हो जाएगा। और यहां बात की जाए, 40 नंबर का पेपर था, 13 नंबर यदि आप करके आ जाते हो 13 नंबर का तो आप पास हो जाते हो, सिंपल तरीके से बोला गया, ठीक है। पासिंग मार्क आपका वो है 13 नंबर है। अब यहां देखो मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बना था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, वो पूरा यहां डिस्कस करने वाले हैं। आपको लास्ट तक वीडियो बने रहना है, कोई भी दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैंने रिवा यूनिवर्सिटी मतलब कि एमपी में जो है, एमपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप चाहे बीए हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, बस उतना पढ़ के चले जाना। और मैं आपसे बोलता हूं 85% प्लस आपको देखने को मिलेगा, वहां से कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आप बकाया के जितने भी हैं वो आप देख के जाइए, अपने बुक में नोट्स पे टिक लगा लो, बाकी कुछ मत पढ़ो, बस जो बता रहा हूं वही पढ़ के जाओ। अब यहां ध्यान से देख लो, यहां निम्नलिखित सभी जो कह सकते हैं प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। देखो यहां जो ऑप्शन है उसको भी मैं आंसर करके बताऊंगा कौन सा आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला है, तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अपने ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर राइट रहने वाला है। यहां बोला गया है हिंदी उत्तर, देखो कह रहा है सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन देखो, पांच आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनके आंसर जैसे कि यहां बोला गया पंचवटी, पंचवटी निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है, ठीक है। तो पंचवटी है वो किस कवि की रचना है, हमसे ये पूछा गया है। देखो पंचवटी की बात की जाए तो पंचवटी जो है वो मैथिली शरण की, गुप्त जो मैथिली शरण है उन गुप्त की रचना है पंचवटी। तो ऑप्शन नंबर जो बी लगा के आया है वो बिल्कुल राइट होगा, बी वालों का सभी का राइट होगा। यही बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, यहां कमानी में कितने स्वर जो कह सकते हैं सर्ग होते हैं, तो बेटा 15 सर्ग होते हैं, सभी को पता होगा, ये तो सिंपल तरीके से है। ऑप्शन नंबर जिसने डी लगाया है परम सत्ता आंसर है, देखो आप चेक करो अपने ऑप्शनों को। उसके बाद में देखो यहां बात करिए तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन बोला गया कि बादल जो राग है, ठीक है, जो बादल राग निम्न कभी रचना किसकी है, बादल राग किसकी रचना है, ये पूछा गया। तो बेटा बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक है, बादल राग इसको याद रखना है आपको ध्यान से। और वही बात करूं मैं नीचे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन की बात किया, चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि छायावादी युग के कवि, ठीक है, नहीं है, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और सूर्य कह सकते हैं सुमित्रानंद पंत, ये क्या है छायावादी युग के कवि हैं, ये छायावादी युग के कवि हैं तीनों। बाकी ये जो रामधारी सिंह दिनकर आप देख रहे हैं ये क्या है छायावादी युग के कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को जिसने भी लगा के आया है बिल्कुल ही राइट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में यहां नीचे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन बोला गया कि जो उज्ज्वल वरदान चेतना का, ठीक है, सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये पंक्ति किस रचना से संबंधित है। तो बेटा ये जो वो कमायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना थी कमायनी, तो कमायनी से संबंधित है कि उज्ज्वल वरदान चेतना है, चेतना का और सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, तो ये जो रचना जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये कमायनी रचना से है और कमायनी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आप यहां से ये क्वेश्चन जो आप टिक लगा के आए तो आपका बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वही पेपर में आएंगे और वहां से कुछ बाहर नहीं आएगा, देख लेना। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं, आप सभी लोग भरोसा करिए पेपर हैकर को, अभी सब्सक्राइब करिए। और आपके आप देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप अपने पेपर को हम तक पहुंचाइए, हम उसके पेपर के हिसाब से ही आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख के बता पाएंगे हमने जो क्वेश्चन दिए हैं वो बिल्कुल फंस रहे हैं और इसका आगे भी फंसेगा, ठीक है, तो याद रखना है। अब यहां देखो 3-3 नंबर 9 नंबर का पेपर हो जाएगा, लघुत्तरी प्रश्न है आपको कि नहीं, 2 प्रश्न 1 प्रश्न करना अनिवार्य है। देखो कह रहा है प्रत्येक इकाई का 1 प्रश्न करना अनिवार्य है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इकाई नंबर एक, अब इकाई नंबर एक में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, तो आप अथवा में ना करो, अथवा वाला कर सकते हो ना तो उसका ऊपर वाला कर सकते हो। देखो यहां कह रहा है आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो यहां बोला गया आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। यदि आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। आपको मैंने बताया छायावादी युग के कवि कौन कौन से हैं, देखो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको एक्सप्लेन करके, यहां बताया कि छायावादी युग के कवि कौन कौन से हैं, देखो इसमें यह पूछा गया जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा है, ठीक है, सुमित्रानंद पंत है, पंत जी है, ठीक है, तो आप जानते हैं चरित्र का चित्रण के लिए, ठीक है,
तो ये चिंदवाड़ा के लिए, चिंदवाड़ा के लिए जैसे सुभद्रानंद पंत को दिया गया था, उनकी कवि रचना हो जाएंगी, रचना के नाम लिखने हैं, कवि के कवियों के नाम लिखने हैं, तो मैंने आपको जयशंकर प्रसाद बता दिया, तो ये सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखना है, उनकी रचनाओं के बारे में एक्सप्लेन करना था बस इतना। और वही बात करूँ तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि आधुनिक युग में राष्ट्रीय काव्यधारा को समझाइए, कि आधुनिक युग में जो राष्ट्र की काव्यधारा थी वो कैसे थी। यदि आप ये क्वेश्चन को याद नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। दुष्यंत कुमार जो थे हिंदी जो गजल के सम्राट कहे जाते हैं, इसको सिद्ध करिए, मतलब दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल का सम्राट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आप सिद्ध करके बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब वही मैं बात करूं इसके देखो इकाई नंबर तीन की, इकाई नंबर तीन में यहां बोला गया कि आप इसको भी कर सकते हैं, इकाई नंबर तीन यहां बोला गया है कि केदारनाथ अग्रवाल कृषक जीवन के कवि क्यों कहे जाते हैं, तो आपको ये बताना है। ये नहीं आपको पता होगा तो आप ये माखनलाल चतुर्वेदी के ऊपर एक विशेषता बता सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की क्या विशेषता थी वो आप देख सकते हैं। यदि खंड सा में यदि हम जाएं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। ये दो क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है लॉन्ग के, आपको 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, 16 नंबर आपके मिल जाते हैं देखने को। अब यहां देखिए, अब यहां बोला गया है कि मैथिल शरण गुप्त के काव्य में जो युग चरित्रण है उसका स्पष्ट करना है, मतलब मैथिल शरण गुप्त थे उन्होंने क्या क्या लिखा, कैसे क्या किया, वो चीज है। यदि आप उसके बारे में नहीं जानते तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के छायावाद युग के चेतावन के बारे, मतलब चेतना का पर प्रकाश डालना है कि छाया जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे उनके जो कह सकते हैं प्रगतिवादी चेतना था उस पर प्रकाश डालना, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया। यदि आप फिर भी वो क्वेश्चन नहीं कर सकते ऊपर वाला, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि आधुनिक काल में गद्य के विकास के प्रमुख कारणों का स्पष्ट करिए, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं यदि आप, ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो जाता है। और उसके बाद में देखो यहाँ की बात की जाए तो ये इसका यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ आ गया कि महादेवी वर्मा के, अब देखो इसका दूसरा पॉइंट यह देखा महादेवी वर्मा के हास्य भावना और जो जो वेदना थी उनके तत्वों से आप क्या, जो अपने अपने शब्दों में आपको बताना है कि उनकी जो वेदना थी भावना थी वो क्या थी महादेवी वर्मा की। तो यमा उन्होंने एक रचना लिखी थी जिनके लिए हम, ठीक है, तो उन्हें पुरस्कार दिया गया था। वहीं यदि आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते, ये दूसरा इसमें से देखो तीन पहले क्वेश्चन दे रखे थे पार्ट वन में, तीन क्वेश्चन दे रखे, तो जो ये करना था कर दीजिए, यदि वो भी आप नहीं होता तो ये कर सकते हैं। आप ये ना करना चाहें महादेवी वर्मा तो अर्जुन नागार्जुन वाला कर सकते हैं, उनकी चित्त अपना लोक दृष्टि कवि के सिद्ध कीजिए। ये ना कर सकते हो तो प्रगतिवादी काव्य जो विचारधारा थे उसको स्पष्ट करने के लिए बोल दिया, आप ये कर सकते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में, एक क्वेश्चन यहां कर सकते हैं बड़े आराम से। वही बात करूं छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन देख लीजिए, छठे क्वेश्चन में दो गद्यांश दे रखे हैं, उनको आपको 5-5 नंबर के हैं, देख लीजिए 10 नंबर का है, ठीक है, दो पद्यांश दे रखे हैं। अब ये देखिए यहां से लेकर एक पद्यांश दे रखा है कि देखो यहां से लेकर यहां तक एक पद्यांश है, आप देख लीजिए यहां से लेकर यहां तक पद्यांश दे रखा है, और इस पद्यांश के कुछ आपके बारे में पूछेगा, जैसे कि यहां देख लीजिए यहां दूसरा एक पद्यांश दे रखा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये दूसरा पद्यांश है, ध्यान से देखिएगा, और तीसरा पद्यांश यहां है, यहां से आपको एक पद्यांश लिखना था। अब क्या लिखना है मैं आपको देख के बताता हूं क्या क्या आपको इसमें करना होगा। अब यहां थोड़ा सा वेट करेंगे, बस जस्ट मोमेंट, यहां देखो चौथा गद्यांश दे रखा है, तो थोड़ा सा यहां ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां देखो चौथा यहां एक पद्यांश दे रखा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो यहां क्या बोला गया है यहां देख लीजिए, छठे क्वेश्चन में यहां बोला गया है संदर्भ सहित व्याख्या करना है, मतलब को आपको बताना है कि ये जो यहां से लेकर यहां तक जो गद्यांश है वो कहां से लिया गया है, कौन से इसके राइटर हैं, और इसकी व्याख्या करनी है, क्या इसको आपको अपनी भाषा में लिख देना है, ठीक है, ये पूछा गया। तो ये था 2022 का पेपर जो जीवा यूनिवर्सिटी का था, रीवा यूनिवर्सिटी का था, ठीक है, जिसे रीवा यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो रीवा यूनिवर्सिटी का पेपर था, आप देख सकते हैं ये 2022 का पेपर था हिंदी साहित्य का, जो आपने देखा पूरा पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैसा पेपर आया था 2022 का। यदि आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। और आपका पेपर जब भी होता है तो प्लीज यार हमें व्हाट्सएप नंबर 7037 3278 और 38 पर हमें तुरंत व्हाट्सअप कर दीजिए, जिसका हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, ठीक है, प्ले स्टोर का भी लिंक है, प्ले लिस्ट का भी लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।